नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है यूपी से। बाइक से रानीगंज जा रहे सोसा के भाजपा सभासद को फतनपुर नहर पुलिया पर दोपहर सभासद को बाइक सवार युवकों ने दौड़ा दौड़ा कर तमंचे की मुठिया से पीट दिया है। आरोप है कि उसका मोबाइल छीनकर फायरिंग करते हुए भाग निकले। आगे खड़े लोगों ने हमलावरों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में लोग थाने पहुंचे। सभासद की भाई की तहरीर पर पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। फतनपुर थाना क्षेत्र के सोसा नगर पंचायत के वार्ड 6 बंदी पट्टी से सभासद 35 वर्षीय गणेश पांडे उर्फ कल्लू दोपहर बाइक से रानीगंज जा रहे थे। फतनपुर बाजार से पहले नहर पुलिया पर 3 बाइक सवार 6 युवकों ने उन्हें रोका। रुकने के बाद आरोपियों ने दोस्तों उन्हें पीटने लगे। वे किसी तरह भागे तो उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा। आरोप है कि तमंचे की मुठिया से घायल होने के बाद मोबाइल छीनकर फायरिंग करते हुए आरोपी भाग निकले। सभासद फतनपुर थाने पहुंचे तो कस्बे के लोगों की भीड़ जमा हो गई। सभासद के भाई सुनील पांडे की तहरीर पर पुलिस ने नोडेरा के आर्यन पांडे, यश मिश्र, रामापुर के सोनू उपाध्याय, सुरुआ मिश्रपुर के सरफराज सरफरेज और 4 अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज की। CO रानीगंज विनय प्रभाकर सैनी ने बताया है कि सभासद पर फायरिंग नहीं की गई थी। वहीं भागते समय हमलावरों को लोगों ने पकड़ने का प्रयास किया तो दोस्तों उन्होंने फायर करके भाग निकले। भाई की तहरीर पर केस दर्ज किया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। तो दोस्तों अब तक की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है यूपी से। आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें।